काफी लोगों ने पूछा है कि उनका जो फैमिली मेंबर है उनका मूड बहुत स्विंग करता है, मतलब कभी खुश रहते हैं सडनली एकदम गुस्सा होने लगते हैं, या खाने को मन नहीं करता, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे घर का कोई भी मेंबर हो, किसी भी एज का मेंबर हो, किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। मान लो आपका कोई मतलब आपका कोई मेंबर फैमिली मेंबर बाहर से अभी आया है, तो आपने उसको खाने को पूछा, उसे डांट दिया आपको कि अभी बिल्कुल मूड नहीं है, बिल्कुल मत पूछो, मैं मेरा मूड बहुत ख़राब है, और दो मिनट में देखा आपने वो बहुत खुश है, अपना सब कुछ ठीक है, या बाहर से खुशी खुशी आया घर में आकर मूड ख़राब हो गया। यानी कि अप्स एंड डाउन जब हो, मूड स्विंग जब करता है, तो परेशानी घर वालों को हो जाती है। वो ऐसा होता है कि बाहर से नकारात्मक वेव्स उसका अपने साथ लाता है, वाइब्रेशन उसकी जो है गलत वो आती है, या घर में से ही वाइब्रेशन जो है वो नेगेटिव है, तो उसकी वजह से ये सब होता है। रीज़न कोई भी हो उसको ठीक करने का मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, रेकी से ये एकदम ठीक हो जाता है, तुरंत ठीक होता है। अगर जल्दी जल्दी मूड स्विंग होता है, अभी खुश, अभी एकदम तुरंत मूड खराब, एकदम गुस्सा आ रहा है, अभी खुश है, अभी एकदम नाराज है, डिप्रेशन में चले गए, अभी फिर से ठीक हो गया, उसके लिए बता रही हूँ, मैंने पहले भी ये बताया है आपको कि सडनली कोई भी फीलिंग्स आए या जाए, सडनली कोई भी बीमारी आए या जाए, सडनली कुछ भी अपने साथ फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली सडनली कुछ भी आ रहा है जा रहा है, उसका एक ही उपाय है और क्लींजिंग, और चोगुर से करो सबसे जल्दी। अच्छा है कि सब रेकी सीख के, चाहे फर्स्ट लेवल की सीखो, अपने आसपास सीख लो, कहीं से भी जो भी सिखाता है उसको सीख लो, कम से कम अपने लिए तो कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है दूर बैठे से करो, आसपास कहीं से भी सीख लो, सिर्फ फर्स्ट लेवल का कर लो, वो भी अपने लिए काफ़ी ठीक है, दूसरे को हीलिंग नहीं कर सकते लेकिन अपनी हीलिंग खुद कर सकते हो। अगर ऐसा आपके साथ है या किसी को दिखते हैं या घर में कुछ है, तो उसको भी रेकी सिखा करके और अटूनमेंट ले लो, उसके बाद फटाफट रेकी अपने आप को ठीक कर सकते हो रेकी के द्वारा। उसमें वही है कि चौकुरे बना करके बड़ा सा चौकुरे सामने बनाओ है, और प्योरीफाई, फिर दाएं तरफ घूमो, क्लॉकवाइज घूमना है, यानी कि सामने से लेकर के दाएं, फिर पीछे, फिर बाएं, ऐसे करके और सामने ला करके और उसको स्टेबलाइज कर दो। मैं ये विधि आपको मेरी वीडियो में देखिए बहुत बार बताई है, सिंपल चौकुरे से भी कर सकते हो या स्पाइरल चौकुरे से भी कर सकते हो, चीज़ एक ही है, दोनों बहुत इफेक्टिव है, करके देखिए और एकदम इस प्रॉब्लम से पूरा छुटकारा मिलेगा आपको, ये पक्का पक्की बात है, हमें विश्वास रखिए। एक ही सीखिए, अटूनमेंट लीजिए, चाहे फर्स्ट लेवल, अगर अपने आप के लिए करना है तो फर्स्ट लेवल की बहुत है, काफ़ी है, सफिशिएंट है। अगर दूसरे का करना है, आप चाहते हो, एक माँ है वो चाहेगी नहीं मेरा पति भी ठीक हो, मेरे बच्चे भी ठीक हो, उनको पता भी ना लगे, तो सेकेंड लेवल का देखिए आप जरूर सीखिए। इसमें हर एक चीज़ है जो आप दूसरे के लिए कर सकते हो, बहुत बहुत वास्ट लेवल पर नहीं सीख पाओगे, पर वो सफिशिएंट है आपके लिए कोई भी बीमारी निकालने के लिए। फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल रेकी का सीखना बहुत ज़रूरी है, वो कीजिए, हर बीमारी निकल सकती है, देर से नहीं निकलेगी क्योंकि ज़्यादा सिम्पल्स उसमें नहीं है, लेकिन आप कैपेबल हो एमरजेंसी निकालने के लिए, ये काफ़ी है। तो चौकुर से एकदम तुरंत निकालो, मूड एकदम ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा और आप भी खुश, वो भी खुश।